गाइस ये है निशान माइक्रो डीजल का है। सो ये गाड़ी का अभी हम लोग फुल सर्विसिंग करने वाले हैं। लुब्रिकेशन का इंजन ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर क्लीन डीजल फिल्टर रिप्लेस होगा और इसका जो है आगे का चक्का का कैलिपर का भी थोड़ा नॉइज है तो इसको भी हम लोग ठीक करेंगे। तो ठीक है मैं दिखाता रहूँगा कैसे आपका चेंज करते हैं और क्या क्या सामान लगेगा इसमें। थैंक यू गाइस कीप वॉचिंग। ये जो बॉक्स है इसके बैक साइड में है डीजल फिल्टर। इसका 10 नंबर का जो बोल्ट है वो हम लोगों ने खोल दिया अभी। सो यार ये तो 10 नंबर ये तो है ना ये तो लूज कर ये तो लूज कर भी लूज कर लो पूरा होगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको खुल ये जो है 4.5 है इसका जो कैपेसिटी है इंजन ऑयल का। ये जो है नया फिल्टर है रेनॉल्ट और निशान का सेम ही लगता है डीजल फिल्टर। ये जो फिट हो रहा है ये है जो आपका वाटर सेंसर है वाटर सेंटीमीटर बोला जाता है। अगर डीजल में वाटर अगर आ जाता है तो ये सेंस करके आपको बताएगा कि गाड़ी में वाटर डीजल में मौजूद है तो ये सिग्नल देता है आपका डैशबोर्ड में। तो ये है देखिए इसका पोर्शन है इसको पूरा खोलना पड़ता है तब जाके ये डीजल फिल्टर निकलेगा और ये इंजन ऑयल फिल्टर लगेगा इसमें। ये देखिए आपका ये जो सेल बोल रहा था ये कैलिपर का नॉइज है तो इसको भी हम लोग ग्रीसिंग करेंगे। अब ये डीजल फिल्टर जो आपका नया हो गया फिट इसका पाइप वगैरह जो है अभी लगा दें और इसमें सिंबल भी दिया हुआ है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। और पाइप जो है इसका एक छोटा और दो बड़ा है तो आपका जो मोबिल फिल्टर है ऑयल फिल्टर वो लग चुका है और अभी इंजन ऑयल अभी हम लोग डालेंगे इसमें एयर फिल्टर तो चेक कोई नहीं। तो इंजन ऑयल का कैपेसिटी है 4.5 तो 4.5 लीटर्स इसका इंजन ऑयल कैपेसिटी है।